अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आए हुए हैं मॉल में, हमारे शीमा भाई को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। थोड़ी सी आप लोगों को पीछे शॉप नज़र आ रही होंगी, जाते हैं, घूमते हैं, विजिट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इसके साथ मेरे साथ रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और आने वाली हर एक वीडियो को देखते भी रहें, उसके साथ शेयर करते भी रहें। शीमा भाई इज़ लुकिंग फॉर समथिंग। ओके, एक और शॉप पे आ गए हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये दिस शॉप इज़ रिलेटेड टू सम थ्री पीस, ठीक है, इसमें सारे थ्री पीस वगैरह ही लगे हुए हैं। प्राइसेस की तरफ जाएं तो इनकी, ओह माय गॉड, 881, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली कितने का बनना, 35-36 हज़ार रुपये के। ये सारे थ्री पीस भी नहीं है, टू पीस है, खाली कोट शर्ट और टाई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ और कुछ देखते हैं, ये पेंट्स लगी हुई हैं, पेंट्स की क्या कीमत है। दरअसल ये हम हैं किसी ब्रांडेड शॉप पे, ये देखें जी, माशाल्लाह 913 युआन की पेंट है। मतलब कि आप लोग अगर एक थ्री पीस सूट इधर चाइना में एक एक्सपेंसिव जगह से बाई करेंगे तो ये आप लोगों को अराउंड 1500-1600 युआन का पड़ेगा, पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपये का। और क्वालिटी देखी जाए तो हमारे पाकिस्तान में ही वाले जो सूट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 हज़ार का मिल जाएगा, एक अच्छा 20 का मिल जाएगा, बस इतने का ही मिलेगा। ओके, फाइनली मिल गई है चीमे को जो ये शर्ट्स ढूंढ रहा था, ठीक है। प्राइस टैग्स की अगर इनकी बात करें तो इनके साथ प्राइस टैग लगा हुआ है। ओके, कितने की है, 389 युआन, अराउंड 400, देख इसको, ठीक है यार, बहुत महंगी शर्टें हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। ये ट्राउज़र्स आए हैं, ऐसे ट्राउज़र ये, पर लेडी स्टफ में ऐसा, मैं पाकिस्तान से भी लेके आया हूँ, ये भी 400 का है। और ये आ गया आपका भाई। ओके यार, बहुत महंगी चीज़ें हैं। चीमा साहब दरअसल ब्रांडेड बंदा है, तो ब्रांडेड बंदा हमेशा ब्रांड पर ही जाता है, वहाँ ही गरीब लोग हैं यार, 10-15 युआन वाली ये शर्टें वगैरह लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेते। तो एज सेम एज ये जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है, ये कितने की है, कितने की है, कितने की है, यार इसकी कीमत नहीं लिखी हुई है इसके ऊपर, ये सेम वही चीज़ है जो इस टाइम पे ये आपके भाई ने पहनी हुई है इधर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पीस है। अच्छा, मिल गई है, ये भी 400 की है यार, बहुत महंगी है पाकिस्तान से। ये अली भाई की मैंने पहनी हुई है, अली भाई ने कितने की ली थी, 250 की, 2500 रुपये का। गर्मी वाला। ओके, तो खैर ये कैमरा लगा हुआ है, ये आपका भाई इधर सामने है। एक और शॉप पे आया हूँ, देख ले, तो देख ले भाई, तेरे ही ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बस इनको खाली जगह चाहिए होती है, ब्रांडिंग इनको इतनी नहीं चाहिए होती है। शॉप है मोस्टली, इसके बीच में 30 शर्ट्स होंगी, ठीक है, एक टोटल ये जैकेट लगी हुई है, ठीक है, 3 से 5-6 पेयर इनके पास शूज़ के हैं बस, ठीक है। ये लड़की इधर अपना बिजनेस लेके बैठी हुई है, तो इनका यही बिलीव है कि आप लोग लेस से लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, पर खाली अपना बिजनेस करो और कुछ भी ना करो, ठीक है। ये लोग ये चीज़ सोचते हैं इधर, खाली और कुछ भी नहीं सोचते। अब ये शर्ट लगी हुई हैं, इनकी कीमत क्या है, ये 100 युआन की शर्ट है, ठीक है। लिटरली आप लोग नाइट मार्केट या मॉर्निंग मार्केट चले जाओ, उधर से यही वाली शर्ट आपको 20 युआन की भी मिलेगी, ठीक है। मार्जिन इनका इनने अपने पीछे अच्छा रखा हुआ है, ठीक है, और चीज़ उनके लिए ये, ठीक है। चीमा भाई चीमा भाई ये अपने कपड़े चेंज करते हुए, मतलब ये ड्रेसिंग रूम भी इधर कुछ नहीं है, बस ये खाली पर्दा लगाया हुआ है, चीमा भाई उसके पीछे कपड़े चेंज कर रहा है, पेंट पहन के चेक कर रहा है, देख रहा है ये चीमा भाई की ये पेंट आ गई, तो देख रहे हैं अलबत्त, ठीक है यार, बिजनेस करो, हर बंदे को करना चाहिए, इंशाल्लाह मैं खुद सोच रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, अल्लाह ताला कामयाब करे। ओके, फाइनली हम एक और शॉप पे आ गए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड शॉप है, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को इधर मिलेगा। ये मैकबुक पसंद आ गई है, ठीक है, i5 4th जनरेशन है, और इसकी ये जो कीमत बोल रही है 1720 GB है, 1700 युआन बोल रही है, पर हमारी जो इसके साथ बात डन हुई है वो 1200 युआन में इसके साथ डन हो गई है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अब मुझे
एयर मैकबुक का इतना आइडिया नहीं है कौन सी है कौन सी नहीं है, अलबत्ता पसंद आ गई है तो बोल लाएंगे, देख लेते हैं आइडिया कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी ये बहुत चीप शॉप है, मतलब एवरी थिंग जो भी आप लोग लेना चाहो बड़े रीजनेबल प्राइस में है, तो सही चेंज हो जाएगी लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। कुछ कितने की प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगी? तो मिल जाएगा ये मोबाइल केसेस, बता लैपटॉप में एक जी खाली अच्छा लगा है इस चीमे की, तो माशाल्लाह चाइनीज बहुत अच्छी है तो कम्युनिकेट यही सारी चीज़ें कर रहा है। और ये जो पावर बैंक्स वगैरह लगी हुई हैं सारी 20 पीस जो आन गए हैं इधर, ठीक है। ये वाले केस जो हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, फोन 13 के हैं, ये मेरे ख्याल से 10-12 यूआन का केस होगा, बाकी सब बहुत रीज़नेबल है तो इतना इशू वगैरह नहीं है, सब कुछ सेट ही है। ओके, दो लैपटॉप पसंद आए हैं, एक ये मैकबुक आया है, ठीक है, ये 1699 वाला, और एक ये रेजर का आया है पर ये है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 8000 यूआन, 4000 यूआन, एक साठ लेटेस्ट वो है 3060। तो ये है भी 12GB में, अच्छी तो दोनों पसंद है। ये तो औकात से बाहर की चीज़ है, अलबत्ता ये वाली जो चीज़ है ये औकात की है, ये वाली चीज़ औकात की है, ये औकात से बाहर की चीज़ है, ये हम नहीं लेते, ये वाला लेंगे पर ये भी आज नहीं लेंगे कल आगे लेंगे। ओके फाइनली हम लोग जा रहे हैं मिनीसो, आप लोगों को इधर का मिनीसो बताते हैं, एबटाबाद वाली पार्टी जो है, ठीक है, या इस्लामाबाद वाली पार्टी है इस सेम है, ठीक है, जो उनका कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में मिनीसो जो जिस मतलब के स्टाइल से उनने खुला हुआ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही तरह खुलते हैं सारे, तो मिनीसो पहुंचते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो खैर हम लोग गए थे पर मिनीसो तो इधर से इनने ख़त्म कर लिया है, तो अभी हम लोग एक और शॉप पर आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये भी शॉप है, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले डिस्प्ले में इनके टीवीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उसके बाद वॉशिंग मशीन वगैरह इनने रखी हुई हैं 3600 यूआन, हाँ फ्रिज वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रिज है, ठीक है, 4-sided 6-sided, हाँ ये 12000 रुपये वाला है कोई, पर ये सारे ऑटो में आते हैं। और मतलब कि जो लास्ट टाइम आप लोगों को फ्रिज का रेट बताया था उससे तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेट पर है, बहुत ज़्यादा हाई रेट पर है। इधर मुझे नहीं लगता कि कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर से हम चलते हैं, अलबत्ता इतनी महंगी जगह पे हम खाना अफोर्ड नहीं कर सकते।